क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट इज नॉट लाइकली टू बी इंक्लूड एड इन एनालिसिस ऑफ प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स पैकेज। प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स पैकेज के विश्लेषण में निम्नलिखित में से किस चार्ट को शामिल किए जाने की संभावना नहीं है। मतलब कि यहां पर चार्ट कौन कौन से प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो आपको हम यहां पर दिखा देते हैं। तो प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स पैकेज के विश्लेषण में आपको ग्राफिक्स हम दिखा देते हैं कौन कौन से होते हैं चार्ट। तो पावर पीएनटी ओपन करिए, और पावर पॉइंट ओपन करने के बाद ठीक है इंसर्ट, इंसर्ट में आप जाएंगे तो आपको यहां पर चार्ट चार्ट लगाना है तो कई तरह के चार्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो इंसर्ट में कौन कौन से चार्ट हैं, ये सभी चार्ट दिए गए हैं ऊपर, ठीक है, इंसर्ट में और इलुस्ट्रेशन के अंतर्गत ये चार्ट यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। चार्ट आपको वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट सभी में दिख जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको एक्सेल में दिखाता हूं तो एक्सेल में देखिए कौन कौन से यहाँ पे चार्ट दिए हैं। विंडो आर करिए और एक्सेल ओपन करिए और एक्सेल में यहाँ पे जाकर देखिए चार्ट दिए हैं ये। इसको इंसर्ट, ये चार्ट चार्ट में प्रकार हो गए, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे चार्ट, ढेर सारे चार्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये कौन कौन से चार्ट होते हैं, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, एक्स वाई स्कैटर चार्ट, स्टॉक चार्ट, सर्किट चार्ट, डोनट चार्ट, बबल चार्ट और रडार चार्ट। क्या यहाँ पे कोई टेम्परेचर चार्ट है, क्या कोई चार्ट यहाँ पे टेम्परेचर संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर चार्ट, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है, व्हिच शॉर्टकट यूज टू क्रिएट कॉपीराइट सिंबल। जो कॉपीराइट सिंबल होता है उसको बनाने के लिए शॉर्टकट क्या होती है, कॉपीराइट सिंबल इसको कहते हैं। ये ऐसे जो सिंबल आपने देखा होगा इस तरह से सिंबल, तो ये क्या कहलाता है, कॉपीराइट सिंबल कहलाता है। ऐसा देखा है आपने, ये देखा है इसको, ये वाला देखो ध्यान से, ये बिन वर्ड, ये है विंडोज वर्जन, ठीक है, विंडोज वर्जन। यहाँ पे ऐसा सिंबल तो आप देखे होंगे इस तरह का, ये जैसे दिख रहा है, ये वाला छोटा वाला सी टाइप का दिख रहा है, किसका सिंबल है, कॉपीराइट का सिंबल है, ठीक है। पूर्ण विशेषाधिकार के लिए किसी भी कंपोनेंट में, किसी भी डॉक्यूमेंट में, ठीक है, पूर्ण विशेषाधिकार अगर आपको जताना है तो उसके लिए यहाँ पे लिख दिया जाता है कॉपीराइट बाई जिस कंपनी का नाम रहता है वो, ठीक है। तो यहां पर यह सिंबल जो होता है कॉपीराइट के लिए होता है, और कॉपीराइट सिंबल बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या दिया है यहां पर, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, हाँ, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी, ये प्रेस करिएगा, ठीक है, ये अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी प्रेस करिए। और यहां पर आपको हम दिखाते हैं ला करके किस तरह से आता है। ये एमएस वर्ड पहले ओपन कर लेते हैं, तो यहां पर प्रेस करिए अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी, ये आ गया ये, तो अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी, इसे क्या आ गया, कॉपीराइट सिंबल ये वाला। अगर अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस आर प्रेस करते हैं इसे क्या गया है, ऑल राइट रिजर्व वाला, ठीक है, ऑल राइट रिजर्व वाला। तो यहां पर अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस आर इसके लिए होती है शॉर्टकट की, ठीक है। अगर यहां पर अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस टी कर देते हैं, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस टी, तो क्या लगता है, ट्रेडमार्क सिंबल। अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस टी, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस टी, क्या लगता है इसे, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क।
अल्ट प्लस हाँ कंट्रोल प्लस ऑल्ट राइट रिजर्व, ऑल्ट राइट रिजर्व, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस टी क्या हो गया ट्रेडमार्क सिंबल, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस टी। ठीक है, तो इसमें से कोई भी पूछ सकता है, देखो एक भाई भी पूछा एग्जाम में, क्वेश्चन पेपर में आपने देख लिया है। ठीक है, तो इसमें से कोई भी इंपॉर्टेंट है और कोई भी एक या दो पूछ सकता है ना, तो इसलिए हमें यह ध्यान रखना है। तो सभी के लिए सिंबल अलग 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 दिए गए हैं, है ना। ये ट्रेडमार्क, ओके, ऑल राइट रिजर्व, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपीराइट संकेत बनाने के लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का प्रयोग करते हैं, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईपी एड्रेस आर कन्वर्टेड टू, आईपी एड्रेस को किसमें बदला जाता है, आईपी एड्रेस कन्वर्टेड टू, आईपी एड्रेस को किसमें बदला जाता है। हाँ हिंदी में देख लीजिए, हाँ आईपी एड्रेस को किसमें बदला जाता है, क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा डोमेन नाम के पदानुक्रम, मतलब कि अ हायरार्की ऑफ डोमेन नेम। देखिए ऐसा कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कि आप कोई वेबसाइट आप चला रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि www.examyug.in, ये क्या है वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम है ये, इसको याद रखना आसान है। या फिर अगर इसी का आईपी एड्रेस, क्योंकि आपको पता है कि नेटवर्क पे जुड़े हुए हर कंप्यूटर का एक विशेष नंबर होता है जिसे हम क्या कहते हैं आईपी एड्रेस कहते हैं, आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो अगर हम इसको ऐसे कर दें, जैसे मान लो इसे हम आईपी दे देते हैं, नंबर देते हैं 192.168.1.1, तो ये रखना आसान या आसान है, या examyug.in ये याद रखना आसान है। तो कौन सा आसान है, examyug.in, ये हमारा क्या हो गया डोमेन नेम हो गया। तो डोमेन नेम की अपेक्षा यहाँ पर आईपी एड्रेस की अपेक्षा डोमेन नेम को याद रखना आसान होता है, इसीलिए आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसका काम कौन करता है, DNS सर्वर करता है, DNS सर्वर करता है, डोमेन नेम सिस्टम DNS सर्वर करता है कि आईपी एड्रेस को डोमेन में बदलता है। ठीक है, तो आईपी एड्रेस को किस में बदला जाता है, डोमेन नेम में बदला जाता है, आया समझे। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए कि एक वेबसाइट है, ठीक है www, ठीक है, और हमने कहा यहां पे माई क्लास रूम इन्फो डॉट इन, अब एक इसी का हम आईपी एड्रेस दे देते हैं 192.168.2.3,
है ना, तो इसको रखना आसान, याद रखना आसान उतना नहीं है आईपी एड्रेस को, बल्कि डोमेन नेम को याद रखना आसान है। तो इसी आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में कन्वर्ट कर देता है डीएनएस, इसलिए आईपी एड्रेस को किसमें परिवर्तित करते हैं, डोमेन नेम में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम होता है। तो यहां पर आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और आईपी का साइज कितना होता है आईपी एड्रेस 4 का? तो यहां पे साइज ऑफ आईपी एड्रेस 4, साइज ऑफ आईपी एड्रेस 4, साइज ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इसकी साइज। ठीक है, साइज कितनी होती है? तो आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल की साइज होती है 32 बिट, 32 बिट। एग्जाम में ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कभी कभी पूछ लेता है कि आईपी एड्रेस आईपी वर्जन 4 का साइज कितना होता है, तो 32 बिट होता है। अगर इसी को बाइट में कन्वर्ट कर देता है, तो अगर हम बाइट की बात करें तो कितने बाइट होता है? अगर कहे कि आईपी एड्रेस कितने बाइट का होता है, तो एक 8 बिट में कितने बाइट होते हैं? 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 32 बिट में कितने बाइट होंगे? 4, 8 से 32, तो 4 बाइट। तो आप कह सकते हैं कि आईपी एड्रेस जो होती है उसकी साइज 32 बिट या 4 बाइट होता है। ठीक है, और आईपी भी एक वर्जन होता है 6, आईपी भी वर्जन 6 होता है, उसकी साइज कितनी होती है? तो 128, 128 बिट होती है। कितनी होती है? 128 बिट होती है। आईपी भी वर्जन, आईपी भी 6, आईपी भी वर्जन आई मीन इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, इसकी साइज कितनी होती है? 128 बिट होती है। ठीक है, और अगर बात करें कि बाइट में कितनी होती है, तो 128 को डिवाइड कर दीजिए, 128 को कितने होती है? 16 बाइट हो जाएगी। ठीक है, तो बाइट में कितना हो जाएगा? 16 बाइट पे होती है आईपी भी वर्जन 6। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस के कौन कौन से वर्जन होते हैं, कौन कौन सी क्लासेस होती हैं? तो 5 क्लासेस होती हैं। आईपी भी वर्जन कौन कौन से होते हैं? ए बी सी डी ई। इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी के 5 क्लास होते हैं। कौन कौन से क्लास होते हैं? ए बी सी डी ई, 5 क्लासेस होते हैं, और सभी क्लास का अलग अलग रेंज होता है। ठीक है, सभी क्लास का अलग अलग रेंज होता है। आईपी एड्रेस क्लासेस कौन सी होती हैं? तो क्लास क्लास कौन कौन से होते हैं, उस क्लास का रेंज कितना होता है, उस क्लास का रेंज कितना होता है, और नेटवर्क होस्ट आईडी कौन सी होती है, तो होस्ट और आईडी कितनी होती है। ठीक है, ये तो क्लास ए क्लास की जो आईपी एड्रेस होती है उसका रेंज कितना होता है, 1 से लेकर के 126 तक होती है रेंज इसकी। आईपी क्लास जो होती है ए, उसका रेंज 1 से 126 होती है, और इसमें नेटवर्क होस्ट कौन कौन सा होता है? एन नेटवर्क और होस्ट, होस्ट और होस्ट। ठीक है, किसमें? नहीं, डेसिमल नहीं है, एन नेटवर्क होस्ट होस्ट होस्ट। हाँ, ये डॉट रहेगा। बी क्लास के आईपी एड्रेस की रेंज कितनी होती है? तो इसकी आईपी एड्रेस की रेंज होती है 128 से और 199, 191, 191।
91 191 95। इसमें क्या होता है, नेटवर्क होता है, होस्ट होता है, होस्ट होता है, और अगला ऑक्टेट होस्ट होता है। हाँ, सी क्लास की आईपी एड्रेस, सी क्लास की आईपी एड्रेस का रेंज होता है 192 192 से और 223 होता है, 192 से 223 होता है। और इसमें क्या होता है, नेटवर्क होता है, होस्ट होता है, होस्ट होता है, ठीक है। हाँ हाँ 223 192 से 223 192 से 223। डी क्लास की जो आईपी होती है उसका रेंज होता है 224 224 से और 239 के बीच में होता है। और इसमें क्या होता है, नेटवर्क होता है, और नेटवर्क और नेटवर्क और होस्ट, ठीक है। अगला है डी क्लास, ई क्लास की आईपी एड्रेस, ई क्लास। तो ई क्लास में क्या होता है, यहां पर 240 से 255 इसमें सेम होते हैं, ठीक है, इसके जैसा। तो मेन महत्वपूर्ण आपका यह है रेंज, रेंज आपको पता होना चाहिए कौन सा आईपी एड्रेस की रेंज कितनी होती है, ठीक है। और जो आईपी एड्रेस आप यहां देख रहे हो 126 से 126 है, अगला यहां पे जंप कर गया 128 से 195, लेकिन 127 कहां गया। तो जो आपका 127 वाला होता है उसको कहते हैं लूप बैक आईपी, यानी खुद सिस्टम, हर सिस्टम का होता है लूप बैक आईपी, ठीक है, हर सिस्टम के लिए फिक्स है वो लूप बैक आईपी। तो 127 127 से 0.0.1 इसे हम क्या कहते हैं, लूप बैक आईपी एड्रेस कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर हर सिस्टम का एक खुद का लूप बैक आईपी होता है, रिजर्व होता है उसके लिए, ठीक है। तो अगर हम आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइएगा कि कौन सा रेंज किस क्लास एड्रेस में आता है, तो मैं क्वेश्चन यहां पर बताता हूं, बताइएगा इसका आंसर कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लास ए आईपी एड्रेस में आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एड्रेस क्लास ए आईपी एड्रेस में आता है। ऑप्शन फर्स्ट दे रहा हूं 130.130.100.5.1। दूसरा नंबर दे रहा हूं, ये जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन है 120 120 255 और 10.1। अगला है थर्ड नंबर 220.150.10.10। चौथा नंबर क्या है 220.150.10.10। ये तो वही वाला है, तीसरा नंबर है। पांचवा नंबर देखो, हालांकि ये चौथा नंबर, इसको मैं हटा देता हूं, चौथा नंबर डिफरेंट हो जाएगा 223.5.10.1। इसमें से आपको देख के बताना है कि कौन सी क्लास आईपी ए क्लास में आती है, फर्स्ट वाली, सेकंड वाली, थर्ड वाली, फोर्थ वाली। हाँ, तो देखिए जो अपना ए क्लास की आईपी एड्रेस है वो कहां से कहां तक आती है, 1 से 126 तक आती है। अब देखिए यहां पर कहां शुरू हुआ है 1 से 126 के बीच में, ये है, यही वाला है ये। तो जो सेकंड नंबर है 120.255.10.1 यह ए क्लास की आईपी एड्रेस में आएगा। तो ऐसे ही ऑप्शन आपको दे सकता है और पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से
कौन सा आईपी एड्रेस इस क्लास में आती के अंतर्गत आती है ना, तो ये क्वेश्चन पेपर में ही आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शॉर्टकट की इज यूज टू कैंसल एन एंट्री इन द सेल आर फार्मूला बार। देखिए, सेल या सूत्र में किसी प्रविष्ट को रद्द करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे, बताइए क्या होगा इसका आंसर। हाँ, अच्छा, वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एस्केप बटन। ईएससी के फुल फॉर्म क्या होता है, एस्केप होता है। तो अगर आप यहां पर कोई एंट्री कर रहे हैं एक्सेल में, है ना, ये एंट्री कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि यहां पर जो भी हमने एंट्री किया है ना, जैसे हमने यहां पे लिखा, मान लो ये लिखा, और अभी हमने एंटर नहीं मारा है, हम चाहते हैं इसको हटाना चाहते हैं, तो क्या प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, ईएससी बटन प्रेस कर दीजिए, ये ईएससी प्रेस कर दिया, हट गया। तो यानी कि अगर आप ईएससी बटन प्रेस कर देते हैं तो ये सेल में जो एंट्री कर रहे हो वो क्या हो जाएगा, एस्केप हो जाएगा, हट जाएगा। लेकिन अगर आपने क्या कर दिया है, इंटर मार दिया है, मतलब सेल एंट्री कंप्लीट अब नहीं हटेगा, इस कारण से क्या हो जाएगा, सेल या सूत्र बार में यानी फार्मूला बार में किसी एंट्री को रद्द करने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे, किस वाले का यूज करेंगे, एस्केप बटन। अगला बताइए इसका आंसर क्या होगा, व्हेन फॉर्मेटेड नंबर डज नॉट फिट विद इन अ सेल इट डिस्प्ले। जब कोई फॉर्मेटेड संख्या किसी सेल के अंदर फिट नहीं हो पाती है तो यह क्या प्रदर्शित करती है, क्या प्रदर्शित करता है, हैश करता है, या हैश डीआईवी जीरो करता है, डीआईवी ये करता है, या एरर करता है। एक्सेल में टाइप्स आप एरर पढ़े थे, एक्सेल में कौन कौन से एरर होते हैं, हैश एरर होता है, नेम एरर होता है, डीआईवी एरर होता है, ठीक है, तो एरर कई प्रकार होते हैं, तो ये एक्सेल आपको ओपन यहां पे करके दिखाता हूं, ये एक्सेल है, ठीक है, ये कितने प्रकार के एरर होते हैं एक्सेल में, यहां पर जाओ, ये चलिए इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पर हम कोई भी कंटेंट लिख रहे हैं, जैसे हमने यहां पे लिखा, मान लीजिए ये एड्रेस हमने लिखा, ये लिखा एड्रेस, और मान लीजिए क्या नंबर कोई लिखा, और जगह नहीं हो पा रहा है, जगह कम पड़ रहा है, तो क्या हो जाता है, ये हैज हैज में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आप प्रिंट मारेंगे तो प्रिंट आउट में भी आपको इस तरह से दिखाई देगा, क्योंकि ये क्या है, हैज क्यों आ रहा है, क्योंकि कॉलम की चौड़ाई कम है, कंटेंट ज्यादा है, इसलिए हैज एरर आता है। तो एरर कई प्रकार के होते हैं, और एरर दिखाते हैं आपको, अगर हमने यहां पे लगाया क्या, इक्वल टू लगाया, और किसी भी अंक को आप जीरो के साथ डिवाइड करेंगे तो कौन सी आती है, कैन नॉट डिवाइडेड बाई जीरो आता है। तो 8-10 एरर के प्रकार होते हैं एक्सेल में, और एरर कौन से होते हैं एक्सेल में, एरर यहां पर जाओ, इक्वल टू लगाओ, और आपने यहां पे लगा दिया, मान लीजिए कि सम लगाया जोड़ने के लिए, और यहां पे लिखा 12 जोड़ना है, 3 जोड़ना है, 12 और 2 जोड़ना है, एंटर मारेंगे, तो एंटर जैसे ही मारेंगे तो क्या आएगा, एरर आएगा। नहीं, हमने तो जानबूझ के गलत किया है, ताकि एरर पढ़ा रहे हैं, ताकि एरर आएगा तभी तो बताएंगे कि एरर कौन सी है, जब सही पूछा जाएगा तो एरर आएगी। तो हमने यहां पर गलत क्या लिखा, फंक्शन का नाम गलत लिख दिया, तो जो एरर आएगी वो कौन सी एरर आएगी, नेम एरर आएगी। ऐसे ही एरर के कई प्रकार एक्सेल में होते हैं, उसको हम लोग लेटर डिस्कस करेंगे अब, बट यहां पे सम होना चाहिए तब प्रॉपर ये देगा इसका आंसर, ये अब सही आ रहा, ठीक है। तो ऐसे ही एरर के कई प्रकार हैं, उसमें से एक हैज एरर होता है, जिसका यूज क्या होता है, फॉर्मेटेड सेल के अंदर अगर कंटेंट फिट नहीं आ पाता है तो हैज नाम का एरर आता है, राइट आंसर ये हो जाएगा। बताइए अगला, बताइए इसका आंसर क्या होगा,
हाँ, डॉट डॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ द टर्म ब्लॉग, ब्लॉगिंग होती है जो, तो ब्लॉग का फुल फॉर्म क्या होता है? BLOG, ब्लॉग। तो ब्लॉग का फुल फॉर्म होता है वेबलॉग। क्या होता है? वेबलॉग। ठीक है, ब्लॉग शब्द का पूरा नाम क्या होता है? वेबलॉग होता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डॉट बी एस डॉट बी एस डॉट डी ओ सी एंड डॉट एस टी एम, ये सभी क्या हैं? ये तो आंख बंद करके बता सकते हैं भाई आप, केवल नाम सुनने के बाद बता सकते हैं, क्योंकि बहुत बार पढ़े हैं और बहुत सारे एक्सटेंशन ने बताए गए हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं? एक्सटेंशन नेम है कि डोमेन नेम है कि प्रोटोकॉल है कि क्या है, डाटाबेस है, क्या है ये? एक्सटेंशन नेम है। अच्छा, डॉट टीएक्सटी किसका होता है? किसका एक्सटेंशन नेम होता है डॉट टीएक्सटी? नोट पैड का नहीं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का, जो कि नोट पैड में बन जाती है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आप चाहे तो एमएस वर्ड में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपने टेक्स्ट में बना दिया है तो फॉर्मेटिंग हट जाएगी, फॉर्मेटिंग नहीं आएगी। तो डॉट के बाद जो भी लिखा जाता है वो क्या हो जाएगा? एक्सटेंशन नेम हो जाएगा। तो डॉट बी एस डॉट डी ओ सी और डॉट एस टी एम, ये सभी क्या है? एक्सटेंशन नेम। ठीक है, ये तो डॉट एस टी एम किसका एक्सटेंशन नेम होता है? हाँ, डॉट एस टी एम किसका होता है? डॉट, अच्छा, एस टी एम का फुल फॉर्म क्या होता है? एच टी एम एल। एस टी एम का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एस टी एम एल का फुल फॉर्म क्या होता है? एस टी एम एल, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसे क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। एस टी एम एल का यूज किस लिए करते हैं? वेब पेज या वेबसाइट बनाने काम आता है ये, वेब पेज या वेबसाइट को डिजाइन करने काम आता है। वेब पेज या वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए HTML, CSS, JavaScript, इन सभी का यूज करके हम वेब पेज को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो वेब पेज बनती है उसका एक्सटेंशन नेम हम रख सकते हैं .html या .htm। .html का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो ये बनाते कैसे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए दो मिनट फटाक से। ये हम एसटी, जो नोट पैड होता है, तो नोट पैड में हम किसी भी प्रकार के, लगभग सभी प्रकार के फाइल एक्सटेंशन क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पे बनाते हैं, विंडो आर करो, और ये हमने नोट पैड खोला। ठीक है, ये ओके, तो एचटीएमएल टैग ओपन, HTML टैग ओपन किया और HTML टैग क्लोज किया। हेडिंग वगैरह नहीं देता हूँ, टाइटल वगैरह टाइम लगेगा, बट इससे पहले हेडिंग और टाइटल होता है, लेकिन मैं सीधे लिखता हूँ। बॉडी पर टैग ओपन किया और बॉडी टैग क्लोज किया और यहाँ पे कलर देते हैं BG कलर, यानी कि पेज का कलर BG कलर दे देता हूँ मैं। कौन सा कलर? स्टार्टिंग बताया था ना, हाँ, येलो कर दिया और यहाँ पे ले दिया आपने मार्क्यू, ले लिया मार्क्यू टैग ओपन और यहाँ पे मार्क्यू टैग क्लोज। अब इस मार्क्यू टैग के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दिया हमने ये, लिख दिया, इसको सेव कर देते हैं। जो HTML की फाइल होती है उसे हम किस एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं? .html या .htm। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं कुछ भी, है ना, .html, और इसको कर देते हैं हम कहाँ पे सेव कर रहे हैं? डेस्कटॉप पे, और इसको कर देते हैं सेव। सेव कर दिया, आइए दिखाते हैं। जो आप ये वाली फाइल है, देखिए यहाँ पे आ गई है। इसको अगर, जो HTML की फाइल होगी उसे हम किसी न किसी ब्राउजर में ही ओपन करेंगे। तो हमने ये ओपन किया, ठीक है,
और जैसे ही ओपन करेंगे ये आपको दिखाई देगा, यहां पर ये दिखाई दे रहा है, ये चल रहा है यहां पर, ये है HTML। HTML के द्वारा हम कंटेंट वेब पेज को क्रिएट कर सकते हैं जिसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, HTML या .htm होता है। ठीक है, ऐसे ही यहां पे एक्सटेंशन नेम और दिया हुआ है, ये वाला किसका एक्सटेंशन नेम होता है, कहां गया ये, हाँ ये .doc, ये किसका होता है, .doc MS Word के डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन नेम .doc होता है। और .docx किसका होता है, MS Word के डॉक्यूमेंट फाइल का ही होता है, लेकिन 2007 या 7 से अधिक वाला वर्जन, जो क्या सपोर्ट करता है, XML प्रकार की फाइल सपोर्ट करता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, और .bas ये किस प्रकार की फाइल एक्सटेंशन नेम है, .bas, तो यह है बेसिक लैंग्वेज, बेसिक BASIC बेसिक लैंग्वेज। तो बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबोलिक इंस्ट्रक्शन कोड। जो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसका एक्सटेंशन नेम होता है .BAS। ठीक है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम किस नाम से सेव करते हैं, .java से सेव करते हैं। प्रोग्रामिंग सी की भाषा को किस लैंग्वेज के साथ सेव करते हैं, .c के साथ सेव करते हैं। और C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको हम किस में करते हैं, .cpp में करते हैं। तो हमें एक्सटेंशन नेम पता होना चाहिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किस एक्सटेंशन नेम के साथ सेव करते हैं, कभी कभी ये भी पूछ लेता है ना। तो पिछली बार जवाब पूछा था तो ये नहीं कि आप नहीं पूछेगा, पूछ भी सकता है, दूसरा भी पूछ सकता है, इसलिए पूरे पता होने चाहिए, है ना। पूरा कोडिंग तो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक चीज तो पता होना चाहिए, किसने डेवलप किया है, किस नाम से फाइल सेव होती है, कहाँ सेव होती है, कैसे कंपाइल करते हैं, कैसे रन करते हैं, ये चीजें छोटी छोटी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, डॉट डॉट इज अ प्रोसीजर दैट रिक्वायर्स यूजर टू इंटर एन आइडेंटिफिकेशन कोड एंड ए मैचिंग पासवर्ड। डॉट डॉट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए उपयोगकर्ता को एक पहचान कोड और एक मिलान पासवर्ड की आवश्यकता होती है, जिसे क्या कहते हैं, हाँ क्या बोलेंगे, लॉगिंग ऑन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए उपयोगकर्ता को एक पहचान कोड और एक मिलान पासवर्ड की आवश्यकता होती है, जैसे कि पासवर्ड हो गया, फिर OTP हो गया, है ना। तो यानी कि लॉगिंग करते समय वो OTP या पासवर्ड मांगेगा ताकि पहचान करता है कि ये ऑथेंटिकेट यूजर है कि नहीं, आप ऑथेंटिकेटेड यूजर हो या नहीं, पता है कि सिक्योरिटी न दे पासवर्ड ना मांगे तो कोई भी यूजर घुस जाए। ठीक है, तो ऐसी लॉगिन ऑन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उपयोगकर्ता को आइडेंटिफाई पहचाना जाता है कि ये वैलिड यूजर है कि नहीं है, है ना। तो लॉगिन ऑन हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ Which of the following is not a type of Blu-ray disc? Blu-ray disc का type इसमें से कौन सा नहीं है? बताइए। हिंदी में देखना है, देख लीजिए हिंदी में। Types of Blu-ray disc कौन कौन से होते हैं और कौन सा नहीं है इसमें, देखिए। पहला होता है ब्लू रे डिस्क, जिसे सीडी होती है ना,
सीडी होती है, डीवीडी होती है, डीवीडी होती है, ठीक है, आपने देखा होगा इस तरह से गोल गोल होती है सीडी डीवीडी होती है, ऐसे होती है ब्लू रे डिस्क होती है, ब्लू रे डिस्क होती है, इसकी जो कैपेसिटी है सीडी और डीवीडी की अपेक्षा काफी होती है। कर लिए हैं पूरा? ठीक है, सीडी और डीवीडी की अपेक्षा काफी होती है, ये जो ब्लू रे डिस्क होती है सिंगल साइड, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है ब्लू रे डिस्क की? 25 GB होती है, और डबल साइड कितनी होती है? 50 GB, 50 GB तक इसकी साइज होती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट डाउन नहीं करते जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट नहीं कर रहे हैं। जैसे अभी उन्होंने बताया कि जो ब्लू रे डिस्क होता है सिंगल साइड कैपेसिटी 25 GB होती है, डबल साइडेड 50 GB कैपेसिटी होती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनके बारे में पता होना चाहिए। और जो सीडी होती है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, जब भी पढ़ा करिए, कॉपी पेन साथ में लेकर बैठा करिए, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आए उसको तुरंत नोट डाउन किया करिए, ठीक है, पता कि आपने एक सुना और वो कुछ समय बाद भूल गया, इसलिए उसको नोट डाउन करने की आदत रखिए कॉपी में, एक बार देखेंगे तो ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। तो सीटी के फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। और डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। एडीवीडी का जो सीडी होती है इसकी जो कैपेसिटी होती है स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है इसकी? इसकी होती है 600 से 700 MB होती है, 600 से 700 MB होती है सीडी की। और जो डीवीडी होती है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? इसकी होती है 4.7 GB होती है लगभग। हाँ, सीडी की 600-700 MB तक होती है, 750 तक होती है, लेकिन डीवीडी की होती है 4.7 GB तक इसकी साइज होती है डीवीडी की। ऐसे ही एडवांस है डीवीडी का, कौन सा एडवांस है? ब्लू रे डिस्क। इसकी जो सिंगल साइड स्टोरेज होता है 25 GB होता है, और डबल साइडेड 50 GB तक होता है। अब यहां पर हमें देखना है कि ब्लू रे डिस्क का कौन कौन सा प्रकार है या नहीं है। हाँ, तो यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है इसे हम क्या बोलते हैं? ब्लू रे डिस्क। हाँ, ये है ब्लू रे डिस्क, ठीक है। तो ब्लू रे डिस्क कौन कौन से होते हैं? पहला है बीडी रोम। क्या होता है? बीडी रोम। इसका फुल क्या होता है? ब्लू रे डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ब्लू रे डिस्क, डिस्क रीड ओनली, रीड ओनली मेमोरी, ब्लू रे डिस्क रीड ओनली मेमोरी। दूसरा क्या होता है? बीडीआर। बीडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लू रे डिस्क रिकॉर्डेबल, मतलब इसमें केवल डाटा को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये ब्लू रे डिस्क रिकॉर्डेबल। ब्लू रे डिस्क रिकॉर्डेबल।
अगला कौन सा होता है बी डी आर ई, अगला कौन सा होता है बी डी आर ई, मतलब ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क रीट्राइटेबल, रीराइटेबल मतलब दोबारा इसमें हम कुछ चीजें डाल सकते हैं, एक बार डाटा एंट्री करने के बाद दूसरा हम डाटा इसमें एंट्री कर सकते हैं, एक बार डाटा एंट्री करने के बाद दूसरी बार हम कर सकते हैं, इसे कहते हैं रीराइटेबल, रीराइटेबल। ये हो गया कि तीन प्रकार हो गए ब्लू रे डिस्क के, ब्लू डिस्क रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, इसमें डाटा को हम केवल रीड कर सकते हैं, पढ़वा सकते हैं, इसमें डाटा को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसमें डाटा को हम एक बार डालेंगे दोबारा हटा भी सकते हैं, डाल भी सकते हैं हटा भी सकते हैं, ठीक है ना। एक और होता है, ये नहीं होता है बी डी आर एम, यहाँ पर यह नहीं होता है, राइट आंसर इसका यही हो जाएगा, लेकिन यहां पर एक और होता है बी डी ब्लू रे डिस्क एक्सएल, ब्लू रे डिस्क एक्सएल, ब्लू रे डिस्क एक्सएल यानी होता है एक्स्ट्रा लार्ज, ब्लू रे डिस्क एक्स्ट्रा लार्ज, ब्लू रे डिस्क एक्स्ट्रा लार्ज, जो ब्लू रे डिस्क एक्स्ट्रा लार्ज होता है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, ब्लू रे डिस्क एक्स्ट्रा लार्ज की 128 जीबी होती है इसकी साइज, 128 जीबी होती है, ठीक है। तो यहां पर इस क्वेश्चन के अनुसार बताइए राइट आंसर क्या होगा, कौन सा ब्लू रे डिस्क का प्रकार नहीं है, तो कौन सा प्रकार नहीं होता इसका बताइए, ब्लू रे डिस्क रीड ओनली मेमोरी ये होता है, ब्लू रे डिस्क रिकॉर्डेबल ये भी होता है, ब्लू रे डिस्क रीड राइटेबल ये भी होता है, और ब्लू डिस्क आरएम नहीं होता बल्कि हाँ एक्स्ट्रा लार्ज होता, ब्लू रे डिस्क एक्स्ट्रा लार्ज होता है एक्सएल, ठीक है ये ओके। अगला क्वेश्चन बताइए इसका आंसर क्या होगा, डॉट डॉट इज द फर्स्ट प्रोग्राम दैट इज लोडेड इनटू द कंप्यूटर मेन मेमोरी व्हेन अ कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन, हिंदी में देखना है हिंदी में देख लीजिए, जब कोई कंप्यूटर स्विच ऑन होता है तो कंप्यूटर की मेमोरी में क्या लोड होता है, सबसे पहले क्या लोड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर लोड होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है